वेलकम टू एन अंदर व्लॉग। अच्छा जी, अब हम लोग हुंजा पहुंच चुके हैं। स्कर्दू से हुंजा तक का रास्ता हम लोगों ने 7 आवर्स में कंप्लीट किया। इसके बाद सुबह मॉर्निंग हो रही थी, अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए थे। फिर हम लोग अपने होटल की छत पे चले गए, जहाँ से हम यहाँ के व्यूज़ देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल बहुत एट्रैक्टिव यहाँ के नज़ारे थे। लोगों ने अपनी छतों पे गार्डनिंग करी हुई थी, जो हम देख सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत ब्राउन से ग्रे से पहाड़ थे और दरख्त, क्योंकि यहाँ पर ऑटम था, पत्ते झड़ चुके थे सब दरख्तों के। कहीं कहीं पे आपको ऑरेंज ऑरेंज से पत्ते नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत था, मतलब देखने में ऐसा लगा था जैसे कोई सीनरी। हुंजा में पहुंचने के बाद फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी अल्टी फोर्ट थी। यहाँ पे मौजूद गाइड ने हमें इस फोर्ट के बारे में गाइड किया। कोई इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन शाही खानदान तक बासानी न पहुंच पाए। आपने लफ्ज हुंजा सुना है, जो एक्चुअल एक्सेंट है हुंजो जी। हुंजो का मतलब होता है हुन कबीला। हाँ, चाइना से आए, उन्होंने हुंजा आबाद किया। बाद में फिर मुख्तलिफ कबाइल मुख्तलिफ जगहों से आते रहे, आबाद होते रहे। इंट्रेंस यहाँ से है, अंदर के दरवाजे से भी बहुत लोग। गार्ड रूम भी होता था, दिन को एक दरबान, रात को कमांडोज यहाँ बैठे रहते थे। ये वाइन सेलर है। मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में आया, उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताविज़्म, शामनिज़्म, हिंदुज़्म भी, जो शराब बनाने की पाबंदी नहीं थी। ये खड़ी कबर है आपके पीछे, छोटा नमा ने उसे जिंदा इसमें चुनवा दिया। ये मंगोलों का रिवाज था, या चुनवाते थे या इस जैसी मोटी भारी लकड़ियों में उनका गर्दन और बाजू को लॉक करते रहते थे। और ये जो दरवाज़ा है, मोटे कोड़े ही लग रहे हैं। हमलावरों को वन बाय वन आना पड़े। एक आदमी उनको नीजा मारेगा, दूसरा चौक करेगा। और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दियां होती है, ये तो कुछ भी नहीं है। दिसंबर के मिड से यहाँ टेम्परेचर बिलो -5 to 10 होगा। कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स आगे रोज़ाना सियासी गुफ्तगू होती थी उनकी, और हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। और मिनिस्टरों के लिए उनके सर्वेंट्स खाना भी नहीं बनाते थे। ये कुकिंग पोट है आपके सिंध पंजाब में, बलोचिस्तान या कैफिके के मैदानी इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है। अब हमारे यहाँ पत्थर के बने, ये पत्थर हमारे लोग तो इसको बलोश कहते हैं, नरम पत्थर। बंद किया जाता, उनके घुटने और टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जानिब मरोड़ के लॉक करते थे। इसको हम उन अर्दोलस कहते हैं, विद इन 3 days, 2 and 3 days वो अपोलोजाइज करते थे। जब वो अपोलोजाइज कर गए तो उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाता, लेकिन रिलीज होने के बाद भी आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि वो स्टेट के लिए गुलामी करेंगे। ये सज़ा आवाम के लिए थी। ये कमरा उनका सेफ्टी रूम था। शाही खानदान में कोई शहजादा या शहजादी विंटर में पैदा हो गए, माँ बच्चे को यहाँ रखते थे। दौरान जंग भी बच्चों और खवातीन को यहाँ रखा जाता था। 10 दिसंबर 1891 में गोरे यहाँ आए, उन्होंने इसको एज ए किचन इस्तेमाल किया है। कैप्टन डिवरेंट यहाँ 2 महीने क़याम कर चुके हैं, जब तक कि दिल्ली और हुंजा के दरमियान लीगल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना हों, जो नेगोशिएशन शुरू हो। ये मैनेजमेंट, सो ये कमरा उनका लिविंग रूम होता था। किंग और क्वीन का यार चलाने की जगह थी, दोनों यहाँ बैठे रहते थे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए, वो जगह उनकी आराम का। और ये स्टोर था जिसमें ड्राई सब्जी, बिस्तर वगैरह तय करके वहाँ रखा जाता, और घर के वो तमाम नाजुक तरीन बर्तन जो बच्चे तोड़ देते हैं ऊपर रखते थे। और ये धूप घड़ी है, सन डायल है। सूरज जब वहाँ मशरक में तुलू होता है तो स्काई लाइट के थ्रू रोशनी सुबह यहाँ उतरती है। विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शेडोज यहाँ बन जाते हैं। सूरज मगरिब की तरफ रोशनी इस तरफ मुँह करती है तो शेडोज यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं। सो इस हाफ सर्कल को तकसीम करते थे जावियों में टाइम टेबल बनाने के लिए। ये रोमनों, चीनियों, हिंदुस्तान, इजिप्ट, बेबीलोन, हर जगह सन डायल का तस्वीर बड़ा कदीम है। और रात को यहाँ कहकशान के मोमेंट के जरिए टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। रात का खड़े
पोस्ट है, इसके टॉप पे कुछ घाट या लोग खड़े रहते थे। पूरा एरिया का ऑब्जर्वेशन स्पेशली नीचे दरिया के किनारे कारवां पर नजर रख रहा हूँ। तो ये सजाई मौत की जगह, हमलावर अगर पकड़े गए हैं उनको यहाँ से नीचे फेंक। ये न्यू पोर्शन है यहाँ। जब गोरे यहाँ आए तो उस जमाने के हेड स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए तामीर करवाए। उनके पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह आते थे यहाँ टू विजिट द बॉर्डर्स ऑफ वैली, सो इन कमरों में स्टे करते थे। और इस गांव की चौकी तकरीबन 25 फीट ऊंची फसील होती थी। बाउंड्री वॉल 11 सीज टावर्स फॉर आर्चरी, वो जंगों के खात्मे के बाद हटा दिए। बाहर एक तालाब सा बना है, वो आप वहाँ से शायद आए हों। वो गांव के एंट्रेंस से गार्डन तक खंदक होती थी, उसमें पानी भरते थे। इनमें कुछ तस्वीरें हैं 1932 की, उनमें से 4-5 तस्वीरों का मैं आपको बता देता हूँ। आज हाँ दिखा रहे में चले गए, 32 वापस आए, तस्वीरें बनाते थे उनके पास लोहे के तारों वाले जैसे। और ये भी वहाँ नजर आएगा। सो जा सकता है घोड़े गधे खच्चर वगैरह 14,000 के बाद ही मत हार जाते हैं। स्पेशली मैदानी इलाकों के खच्चर और गधे बिल्कुल नहीं चढ़ सकते। तो फिर याक इस्तेमाल होता था। ये बटर है, बटर को हम छाछ के खतरों के साथ ज़मीन में दफनाते हैं बर्च बार्क में लपेट के। सो वो 5 से लेकर 8 साल के दौरान ब्लू चीज़ बन जाती है। अच्छा, वो अमूमन यूरोप में कल्चर। Guys, this was the lake of the Hooper Glacier, and guys, it was all frozen as it is. Guys,
We also found a cat named Bush. It was so very cute. Guys, this is my new pet. I made a new friend in the mountain. Look. Bye bye. Out the window, all looks gray in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. सुने कि वो यहाँ पे ये मिल जाती है आसानी से, ठीक है? वो टर्मलिन है, ये होता है माइका है, टर्मलिन क्या होता है? ये इससे भी अंगूठियाँ बना सकते, अच्छा हाथ बना सकते हो, ये भी पहाड़ से निकलता है ना सर में, ये माइका है सर। और ये क्या कर चीज़ क्या चाह रही? अगर ना सर ऊपर जाके मेहमानों से आप पूछो। Rayan, how is it? Fine and very scary. Ow. I'm distracted and I don't know.